अलवर जिला कलेक्टर के द्वारा किए जा रहे एंटी टोबैको कैंपेन प्रोग्राम के तहत बांसुर राजकीय उप जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर बीएस बैंसला द्वारा तंबाकू से संबंधित उत्पाद का बहिष्कार करने की अपील की गई। वो उल्लंघन करने वाले पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया गया। वहीं बांसुर राजकीय उप जिला अस्पताल द्वारा बांसुर को तंबाकू मुक्त करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। बांसुर राजकीय उप जिला अस्पताल द्वारा पोस्टरों व नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं डॉक्टर बीएस गुर्जर, पीएमओ एचडीएच बांसुर, आपसे विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि 40 दिन के एंटी टोबैको कैंपेन प्रोग्राम जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय की बहुत ही अच्छी सोच के साथ में इस कैंपेन का शुरुआत बहुत पहले से चल रही है और इस पर सभी जगह पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता लगातार अनेकों स्तरों से चल रही हैं। लेकिन मेरा आज आपसे एक स्पेशल विनम्र निवेदन है, एक चिकित्सक होने के नाते, कि टोबैको यानी तंबाकू एवं तंबाकू से संबंधित उत्पादों का बहिष्कार करें। इनका उपयोग करने से हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको और कुछ नई बातें जोड़ना चाहता हूं कि टोबैको यानी तंबाकू और तंबाकू से संबंधित समस्त उत्पादों का प्रयोग यदि करते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक कैंसर्स, मुंह का कैंसर, इसके जर्दा तंबाकू खैनी खाने से, फेफड़ों का कैंसर, लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक क्रोनिक स्मोकिंग करने से, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, अस्थमा, अनेकों बीमारियां पैदा करती हैं होती हैं। इसके साथ साथ गैंग्रीन, जो भयंकर भयानक एक बीमारी है गैंग्रीन, इसमें नसें सिकुड़ जाने से, किसी हाथ अथवा पैर के ब्लड की सप्लाई रुक जाने से गैंग्रीन डेवलप होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है, शुगर के होने की खतरा होता है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते आपको बहुत एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इस इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी यानी पुरुष अथवा महिला दोनों में भी बच्चा पैदा करने की क्षमता में भी गिरावट स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड में देखी गई है। अतः आपसे निवेदन है कि कल 26 जनवरी को इस पावन पर्व पर, जो कि हमारे देश में गणतंत्र रूप के रूप में मनाया जा रहा है, इस पर पंचायत लेवल पर ही नहीं, प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यालय एवं ग्राम पंचायत लेवल